नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर ज्योति और मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूं मेरे इस यूट्यूब चैनल में। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऑक्सीट्रोपिस। ये एक होम्योपैथिक मेडिसिन है। ये बहुत ही रेयर बट बहुत ही ज्यादा फायदेमंद मेडिसिन है। इस मेडिसिन के बारे में डिटेल में आज इस वीडियो में आपको जानकारी मिलने वाली है, इसलिए अंत तक मेरे साथ इस वीडियो में बने रहिएगा। साथ ही में मेडिसिन को आपको कैसे इस्तेमाल करना है, कौन से पोटेंसी में, कौन से डोसेस में लेना है, इसके बारे में डिटेल में आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। लेकिन इससे पहले अगर आपने मेरे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज कर दीजिएगा। साथ ही में मेरे इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कीजिए, फेसबुक पेज को लाइक कीजिए, और अगर आपको डिटेल में ऑनलाइन कंसल्टेशन करना हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने व्हाट्सएप नंबर दे रखा है, उस पर आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं और हम डायरेक्टली ऑनलाइन कंसल्टेशन स्टार्ट कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं, ये जो एक्सीट्रोपिस मेडिसिन है, ये लोकोविड नाम का एक प्लांट रहता है। बहुत ही अच्छे इस प्लांट के फ्लावर दिखते हैं, जिसका पिक्चर मैंने वीडियो में लगाया, तो उस प्लांट से ये जो मेडिसिन है ऑक्सीट्रोपिस, ये ट्राइचुरेट करके पोटेंटाइज करके बनाया जाता है। तो ये जो मेडिसिन है ऑक्सीट्रोपिस, ये मेनली आपके तंत्रिका जो होती है, नर्व जो होती है, उस पर काम करता है। तो आपके नर्व्स पर ये काम करता है, तो आपको पैरालिसिस जैसी तकलीफें होती है वहां पर ये मेडिसिन काम करता है। साथ ही में आपका जो स्पाइन, रीढ़ की जो हड्डी होती है, उसमें ऐसा आपको लगता है कि कंजेशन बहुत ज्यादा होता है, खून का जमाव बहुत ज्यादा होता है, इसके वजह से आपको पैरालिसिस की तकलीफें होती है। इसके साथ साथ पेशेंट जो है वो बहुत ज्यादा हिलता डुलता है, यानी कि उसके हाथ पैरों में, उसके पूरे शरीर में बहुत ज्यादा कंपन उसको महसूस होता है। साथ ही में वो जो पेशेंट जो है वो पीछे की साइड झुककर चलता रहता है, और इसके साथ साथ उसको स्पाइन में बहुत ज्यादा दर्द रहता है। स्पाइन के दर्द के साथ साथ उसके हाथ पैरों में बहुत ज्यादा ट्रेमलिंग रहती है, और उसके जो रिफ्लेक्सेस होते हैं, जैसे कि नी ज्वाइंट का रिफ्लेक्स होता है या फिर एल्बो ज्वाइंट का जो रिफ्लेक्स, पूरे रिफ्लेक्सेस बॉडी के जो है वो चले जाते हैं, लॉस्ट हो जाते हैं, क्योंकि तंत्रिका पर ये मेडिसिन काम करता है और तंत्रिका की जो शक्ति होती है वो पूरी तरीके से चली जाती है और आप पैरालिसिस के शिकार होते हैं। तो वहां पर ये ऑक्सीट्रोपिस मेडिसिन दिया जाता है। अब हम बात करते हैं, ये जो ऑक्सीट्रोपिस मेडिसिन है सिस्टम वाइज कैसे काम करता है और कौन से डिसीज कंडीशन में आप इस मेडिसिन को दे सकते हैं। तो ये जो ऑक्सीट्रोपिस मेडिसिन है, ये आपके माइंड पर काम करता है। तो माइंड के क्या क्या सिम्टम्स होते हैं, तो पेशेंट को अकेला रहना पसंद रहता है, यानी कि पेशेंट जो है वो हमेशा अकेला रहता है। तकलीफों के बारे में अगर वो सोचता है तो सोचकर और भी ज्यादा तकलीफें उसकी बढ़ जाती है। साथ में बहुत ज्यादा डिप्रेशन उसके मन में रहता है, निराशा रहती है, उदासीनता रहती है, तो वहां पर ये मेडिसिन माइंड के ऐसे सिम्टम्स अगर रहते हैं तो हम दे सकते हैं। साथ ही में ये जो मेडिसिन है, ये सिर दर्द के लिए बहुत ही अच्छी तरीके से इस्तेमाल किया जाता है। सिर दर्द के साथ साथ उसको चक्कर आते हैं, सिर में उसको बहुत ज्यादा गर्मी महसूस होती है और ऐसा लगता है कि उसने नशा किया हुआ है, और उसको जो भी चीज है वो आधी अधूरी दिखती है, विजन जो है उसका कम हो जाता है, और इसके साथ साथ उसके मुंह में और नाक में बहुत ज्यादा ड्राइनेस आ जाता है, वहां पर भी ये मेडिसिन दिया जाता है। ये मेडिसिन आंखों पर भी काम करती है, आंखों के जो मसल्स होते हैं, सिलियरी मसल्स, उस मसल्स का वीकनेस ये मेडिसिन पैदा करता है। उसके साथ वो मसल्स जो रहता है उसका अगर पैरालिसिस हो जाता है और पेशेंट को दिखाई देना कम हो जाता है, इसके साथ उसकी जो पुतलियां होती है, पीपल्स जो होते हैं, वो कंट्रैक्ट हो जाते हैं, और उस पर अगर हम लाइट चलाते हैं तो किसी भी तरह का रिस्पॉन्स नहीं देते हैं, तो वहां पर वैसे सिम्टम्स में मेडिसिन जो है आंखों की तकलीफों में हम दे सकते हैं। साथ ही में ये जो मेडिसिन है, ये स्टमक में, अगर आपके पेट में बहुत ज्यादा मरोड़ वाला दर्द है, स्पेशली पेट में, तो वहां पर ये मेडिसिन दिया जाता है, और कंटिन्यूस आपको डकारे आती रहती, इरेक्टेशंस बहुत ज्यादा आते रहते हैं, तो वहां पर भी ये मेडिसिन दिया जाता है। इसके साथ गुदा की जो तकलीफें होती है, क्या होता है कि रेक्टम जो है, रेक्टम का जो स्प्लिंटर होता है जो आपके मल को पकड़ के रखता है, जब भी आपको डिजायर होता है तो वहां पर ये स्प्लिंटर बहुत अच्छी तरीके से काम करता है। लेकिन इस मेडिसिन में क्या होता है, स्फिंक्टर जो है वो पूरी तरीके से रिलैक्स्ड हो जाता है, और आपका कंट्रोल आपके मल त्यागने पर नहीं रहता है, अपने आप आपको इनवॉलेंट्री मल जो है वो त्याग हो जाता है, और मल ऐसे निकलता है चाहे कोई लंप और जेली ऐसा निकल के आ रहा है, स्लीप होता रहता है मल वहां से, तो वैसी सिचुएशन में मेडिसिन दिया जाता है। साथ ही में पेशाब की जो तकलीफें होती है, यानी कि आपको बहुत जल्दी अर्ज आ जाती है और इनवॉलेंट्रीली आप पेशाब जो है वो त्याग कर देते हैं, तो वहां पर भी ये मेडिसिन दिया जाता है। जो मेडिसिन है ये मेल जेनिटल पर भी काम करता है, जिन पुरुषों में उत्तेजना की कमी है, काम उत्तेजना की कमी है, इसके साथ साथ पेशेंट्स में जो अंडाकोश होते हैं उसमें भी दर्द रहता है, तो मेडिसिन वहां पर दिया जाता है। अब हम बात करते हैं इसके एक्सट्रीमिटीज के बारे में, एक्सट्रीमिटीज पर ये मेडिसिन कैसे काम करता है। तो
पेशेंट के जो हाथ पैर होते हैं उसमें बहुत ज्यादा कंपन रहता है, चलते वक्त कोऑर्डिनेशन नहीं रहता है, उनका स्ट्रैगरिंग गेट रहता है यानी कि चलते वक्त वो इम्बैलेंस भी हो जाते हैं या फिर धीरे धीरे चलते हैं और चलते वक्त उनका बैलेंस चला जाता है, वो गिर भी सकते हैं, तो वहां पर ये मेडिसिन दिया जाता है। इसके साथ साथ आपके मांसपेशियों में बहुत ज्यादा स्टिफनेस, जकड़न रहती है और जो भी रिफ्लेक्सेस होते हैं वो पूरी तरीके से लॉस्ट हो चुके होते हैं, और साथ ही में आपको किसी भी एक साइड का पैरालिसिस अगर रहता है, मांसपेशियों में वीकनेस रहता है, हाथ पैरों में अगर आपको पैरालिसिस रहता है, तो वहां पर ये ऑक्सीट्रोपिस मेडिसिन दिया जाता है। तो ये जो ऑक्सीट्रोपिस मेडिसिन है ये आपको कौन से पोटेंसी में आप सेवन कर सकते हैं, तो 30 CH या फिर 200 CH पोटेंसी में आप दे सकते हैं डायरेक्टली। इसके 2 बूंद आप आपके टंग पर डालिएगा, दिन में 2 या 3 बार भी इस मेडिसिन का सेवन कर सकते हैं। डिपेंड से मेडिसिन जो है ये आप कौन से डिसीज में, कौन से डिसीज कंडीशन में, कौन से पेशेंट में दे रहे हैं उस पर ये मेडिसिन का डोज डिपेंड रहेगा। तो आप आपके नजदीकी होम्योपैथिक डॉक्टर की सलाह से इस मेडिसिन को आप ले सकते हैं। तो मैं आशा करती हूँ ऑक्सीट्रोपिस मेडिसिन के बारे में डिटेल में आपको समझ में आ गया होगा। तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर कीजिए, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कीजिए, फेसबुक पेज को लाइक कीजिए और इस वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू। चैनल सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करें।